नाज़रीन आप देख रहे हैं केजी न्यूज। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। आरवाला पाकपतन रोड पर ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक में तसादम, किसान जख्मी, ट्रैक्टर ट्राली के टुकड़े टुकड़े हो गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। एक बार आपको फिर बताते चले जाएं कि पाकपतन रोड पर ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक में तसादम, किसान जख्मी, ट्रैक्टर ट्राली के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यूसुफ रजा भट्टू से। यूसुफ रजा भट्टू, बताइएगा क्या सूरत आ रही वहाँ की। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ आरवाला पाकपत रोड पर। जो इस रोड पर आए रोज़ मुतद हादसा होते रहते हैं, लेकिन आज रात भी एक हादसा हुआ है जिसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये स्टॉप है अड्डा जीवन शाह, जीवन कोल्ड स्टोर के पास। यहाँ पर रात 2 से 3 बजे के दरमियान एक ट्राली ट्रैक्टर खड़ा था, जो कि ड्राइवर साइड पर लगा कर खड़ा था। पीछे से आने वाला ट्रक इसमें टकरा गया, जिससे ट्रैक्टर और ट्राली टुकड़े टुकड़े हो गए। और इस के मतलब जानते हैं ट्रैक्टर के ड्राइवर से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज अहमद है और मैं चकधाम नगर रहायशी हूँ। अपना ट्रैक्टर जो है ना गल्ला मंडी आरा वाला में ले जाकर जिन्नस बेचने वाला था, जो रास्ते में ये मसला पेश आया तो मैं अपना ट्रैक्टर साइड पे लगा कर ना ट्रैक्टर को चेक कर रहा था। हम ज़िम्मेदार भाइयों के साथ काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है कि पीछे से जो चोर होते हैं ना वो जिन्नस के तोड़े वगैरह उतार लेते हैं। तो ट्रैक्टर मैंने साइड पर लगाया और चेक कर रहा था तो ट्रक को बहुत स्पीड में देखा, ये बेकाबू आ रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से ना मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से बचाया। पता नहीं ये ड्राइवर सो रहा था या इसने कुछ नशा वगैरह किया हुआ था, पता नहीं। ये तो वल्ला अलम अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं खुद बहुत मुश्किल से बचाऊँ। और मेरा ट्रैक्टर जो है वो आप देख सकते हैं बुरी तरह ख़राब हो चुका है, मुतासर हो गया। जी बिल्कुल, यहाँ रोड पर जगह जगह खड्डे हैं और यहाँ पर महकमा हाईवे और DC सब डेली यहाँ से गुजर होता है इनका, लेकिन कोई भी होश के नाखन लेने को तैयार नहीं है। इस रोड की मरम्मती की जाए और इसको जो काबिले ट्रांसपोर्ट बनाया जाए। जी।